नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून में दिए जाने वाले स्कॉलरशिप के बारे में। तो बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आरआईएमसी देहरादून की जो फीस है वो 42,400 रुपये है, यानी 42,400 रुपीज फीस है, जिसमें से सभी स्टेट जो है, मैक्सिमम जितने भी स्टेट है वो, मैं आपको बता दूं, 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यानी आपको बचे हुए सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए और देने पड़ते हैं। यानी आपको 42,400 रुपए में आरआईएमसी देहरादून में तैयारी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा 20,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट भी लिया जाता है, जो कि रिफंडेबल होता है। तो आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अगर कोई भी बच्चा आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 20 से 25 हजार रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो बच्चों को, कौन कौन सी स्टेट्स कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जो स्कॉलरशिप नहीं देती हैं। तो इंडिया में सिर्फ ऐसे 4 स्टेट हैं जो स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, इसके अलावा 26 ऐसे स्टेट हैं जो बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, www.raimc.gov.in पर जाना है। उसके बाद आपको जाना है एडमिशन्स पे। जैसे ही आप एडमिशन पे जाएंगे वहां पे आपको स्कॉलरशिप का लिंक मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेट वाइज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असम की। तो असम गवर्नमेंट की तरफ से आपको 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है, यानी 42,400 रुपए फीस है, 30,000 रुपए का आपको स्कॉलरशिप मिल गया। आपको सिर्फ 12,400 रुपए अलग से पे करना है। तो आप ये सोच सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आरआईएमसी देहरादून में दिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको आरआईएमसी देहरादून के बारे में पता ही नहीं है। 90 to 95% जो बच्चे आरआईएमसी देहरादून में पढ़ते हैं वो ऑफिसर बन के निकलते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। और आपको बता दूं कि 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए सैलरी दिया जाता है, डायरेक्ट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनते हैं। तो आरआईएमसी देहरादून में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा सिलेक्शन रेशियो है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि लोगों को आरआईएमसी देहरादून के बारे में पता ही नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे 11.5 से 13 साल के होते हैं, यानी जो बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं। और आपको कम से कम 2 से 2.5 साल तैयारी करवानी चाहिए। 7419999928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की तो 14,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। बिहार की बात करें तो 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे 14,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो लोग यूनियन यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, 33,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और हरियाणा वालों की तो बल्ले बल्ले है, हरियाणा वालों को 35,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको अलग से, अगर आप हरियाणा वालों के बच्चे, चंडीगढ़ वाले अगर जो चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा से हैं, अगर वो लोग फॉर्म भरते हैं, असम से फॉर्म भरते हैं, तो उनको मात्र 10 से 15 हजार रुपए ही भरने पड़ेंगे। इसके अलावा सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जो हमारे जम्मू के लोग हैं, 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। झारखंड वालों को 15,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। कर्नाटका स्टेट वालों को 15,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। केरला वालों को, केरला जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, 17,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, 11,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो लोग मणिपुर से बिलोंग करते हैं उनको 11,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और सबसे मजेदार जो चीज मुझे लगी है, जो लोग मिजोरम से बिलोंग करते हैं, 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जो लोग नागालैंड से बिलोंग करते हैं उनकी सारी की सारी फीस जो होती है वो रीइंबर्स हो जाती है। यानी आरआईएमसी देहरादून में जो भी खर्चा आता है, 40,000, 50,000, 60,000, 42,400 रुपए फीस है, 20,000 रुपए सिक्योरिटी है, तो ये सारा का सारा टोटल अमाउंट जो नागालैंड गवर्नमेंट है
वो पूरा का पूरा आपको रिफंड कर देती है, आपको रीइंबर्स कर देती है। उड़ीसा की बात करें, 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। सबसे जो जबरदस्त मुझे लगा है, पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, 33,000 रुपए का स्कॉलरशिप पंजाब सरकार देती है और जो हरियाणा गवर्नमेंट है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, खासकर जो बच्चे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको तैयारी करनी चाहिए, 35,000 रुपए का स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट दे रही है। बहुत ही मजा आ गया देख करके पंजाब और हरियाणा में जो कॉम्पिटिशन है। पौंडीचेरी की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान वालों को 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप, जो लोग सिक्किम से बिलोंग करते हैं 20,000 रुपीज का स्कॉलरशिप, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप, जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप, जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप, और जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप। तो आज मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया है जिसकी वजह से आपको तैयारी करवानी चाहिए। सिर्फ 42,400 रुपए खर्चा है, उसमें भी 20,000 से 25,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। अब ऐसे चार स्टेट की बात करूंगा जो बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, जैसे दिल्ली, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दादर और नवेल हवेली। ये आपको मैं बता दूं, ये यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि बिल्कुल भी स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं देते। यानी अगर आप दिल्ली, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, दादर और नगर हवेली से बिलोंग करते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अलग से जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं, जैसे लेफ्टिनेंट दीपक गोस्वामी मेमोरियल 550 रुपए का स्कॉलरशिप देता है 12 कैंडिडेट्स को। लेट कर्नल के खन्ना 1300 रुपए का स्कॉलरशिप देता है 2 बच्चों को। बर्डवुड तहरी स्कॉलरशिप 7,000 रुपए का स्कॉलरशिप देता है 2 बच्चों को। तो इस तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे यहाँ से RIMC देहरादून की तैयारी करते हैं उन बच्चों को 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। यानी अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ से तैयारी करता है और वो सेलेक्ट हो जाता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को हमारी तरफ से भी सपोर्ट मिलता है और 20,000 रुपए का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठा रही है। और इसके अलावा जो 20,000 रुपए का बचा हुआ खर्चा है वो कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला की तरफ से उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो को समराइज कर दूं और 30,000 रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो असम गवर्नमेंट आपको 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप देती है। जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है 33,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है। हरियाणा में आपको मिलता है करीब 35,000 रुपए का स्कॉलरशिप। इसके अलावा मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम में आपको 40,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। नागालैंड में आपको फुल फीस रीइंबर्स मिल रही है, यानी सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है, तो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा लास्ट आता है पंजाब। तो ऐसे करीब 5 ऐसे स्टेट हैं जो 30,000 से ऊपर स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो यार आप लोग तैयारी करवाओ, और अगर आप हमारे स्कूल से अपने बच्चे को तैयारी करवाते हो RIMC देहरादून के लिए, RIMC देहरादून के लिए आपको मैं बता दूं कि 5th क्लास से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 5th और 6th क्लास में आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का मौका मिलता है। वहां से आपका बच्चा पेपर क्लियर करेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसके बाद RIMC देहरादून की तैयारी करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है RIMC देहरादून के ऊपर। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को RIMC देहरादून के बारे में पता चले। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।